बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम आज़ीज़ तलबा, हम यहाँ पर जमात नवी के रियाजी मज़मून हिस्सा एक के इस सेशन में, जिसमें हम निस्बत और तनासुब यानी रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में आपको मालूमात देने वाले हैं। तो बच्चों, आप तमाम का मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास के ऑनलाइन सेशन में आप तमाम का खैर मकदम करता हूं। और हम यहां पर जो है तो बच्चों आज के सेशन में ख़ास तौर पर निस्बत यानी कि रेशियो और मुस्तकीम और माकूस तनासुब और निस्बत की खुसियात के बारे में बात करेंगे। और ख़ास तौर पर मशकी सेट 4.1 यहाँ पर हम हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे निस्बत हम किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं कि एक ही किस्म की और यकसा इकाइयों वाली मकदारों का और इनकी कदर पैमाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज के बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के वर्चुअल क्लास के इस ऑनलाइन सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है। और आज के इस सेशन में बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे नवी जमात में रियाजी हिस्सा एक में निस्बत और तनासुब के बारे में। तो बच्चों, इस प्रेजेंटेशन में हम आज यहाँ पर ख़ास तौर पर बात करेंगे निस्बत यानी रेशियो, मुस्तकीम और माकूस तनासुब यानी डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, और निस्बत की खसूसियात के बारे में यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशियोज़। और उसके बाद हम यहाँ पर जो है तो 4.1 जो एक्सरसाइज है उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर समझते हैं कि निस्बत क्या है। तो हम देखते हैं कि एक ही किस्म की और यकसा इकाइयों वाली मकदारों का इनकी कद्र या पैमाइश के लिहाज से मवाजना करने को इन मकदारों के दरमियान निस्बत कहते हैं। एक ही किस्म की और यकसा इकाइयों वाली मकदारों का इनकी कद्र या पैमाइश के लिहाज से मवाजना करने को हम जो है तो क्या कहते हैं, इसे हम यहाँ पर जो है तो कहते हैं कि भाई ये इनके इन मकदारों के दरमियान निस्बत कहते हैं, ठीक है, याद रखिए इसे। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसके बाद मुस्तकीम और माकूस तनासुब यानी डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं एक जदुल दिया गया है। दर्ज़ेल जदुल में मखसूस मकदार में पेट्रोल इस्तेमाल करने वाली एक कार के ज़रिए तय करदा फासले से मुतालिक मालूमात दी गई है। हम यहाँ पर इसे समझते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला जो यहाँ पर ये हिस्सा है इसमें हम देखेंगे कि दिया हुआ है पेट्रोल एक्स लीटर है, ठीक है, और फासला जो है डिस्टेंस वो वाई किलोमीटर है। क्या है? वाई किलोमीटर है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर 2 किलोमीटर का फासला है तो हम यहाँ पर देखते हैं 2 लीटर पेट्रोल में जो है तो ये कार कितने किलोमीटर चल रही है, 30 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। इसी तरह से 6 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर चल रही है, 10 लीटर पेट्रोल में ये कार जो है तो 150 किलोमीटर का फासला तय करती है। और इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 40
लीटर पेट्रोल में जो है तो 600 किलोमीटर का फासला ये कार जो है तो तय करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर जो है तो देखना है कि यहाँ पर एक कार के ज़रिए तय करदा फासले से मुताल्लिक हमें यहाँ पर देखना है कि इसकी निस्बत क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एक्स अपॉन वाई हमें लेना होगा। ठीक है, यानी कि हमने जो है तो एक्स किसे लिया है, लीटर को, और किलोमीटर को हमने वाई फर्स्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2/30 अगर करते हैं हम, तो यहाँ पर आपको मालूम है 2 1s 2 अगर हम करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमें मिलेगा 15 इस तरह से, तो आप देखेंगे 1/15 का यहाँ पर जो है तो ये समझ में आता है कि 1 किलोमीटर, 1 लीटर पेट्रोल में ये कार जो है तो 15 किलोमीटर चल सकती है। यानी इसका रेशियो जो है तो यहाँ पर हमें मालूम पड़ रहा है कितना है, 1/15 है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम मालूम करते हैं 6 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 6 का 6 आप देखेंगे और 6 5s 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सेम आपको यहाँ भी किस तरह से मिल रहा है, यहाँ पर जो पेट्रोल की मकदार है वो और तय करदा फासला जो है तो यहाँ पर आप अगर इसकी निस्बत देखेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पर एक ही निस्बत मिल रही है। ठीक है, इसी तरह से आप 15 बटे यहाँ पर 10 और 150 दिया है, तो हमने इसे 10/15 किया है, ये 10/150 किया है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 0 0, तो आप देखेंगे यहाँ पर 1/15 हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ भी जो है तो निस्बत मुस्तकिल नज़र आ रही है, 1/15 है, 1/15 है, 1/15 है। अब यहाँ पर अगर आखिर में देखें हम, यहाँ पर 40/600 हमने किया, यानी ये 0 गया और ये 0 गया। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि 4 का 4 हम लेते हैं यहाँ पर, यहाँ बचेगा कितना, 2 4 5 20 हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी हमें 15 मिलेगा। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ भी हमें 1/15 मिलेगा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें समझ में आता है कि गाड़ी में इस्तेमाल किए गए पेट्रोल की मकदार लीटर में और कार के ज़रिए तय करदा फासला किलोमीटर में की निस्बत मुस्तकिल है। ठीक है, एवरी टाइम आपने देखा जो मुस्तकिल निस्बत हमें मिल रही है, 1/15 है, 1/15 है, 1/15 है, 1/15 है। ठीक है, तो इस हालत में हम ये कहते हैं कि दोनों मकदारें मुस्तकिम तनासुब में है, या दोनों मकदारें मुस्तकिम जो है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों मकदारें मुस्तकिम तनासुब में है, या दोनों मकदारें जो है तो मुस्तकिम तगैयुर में है। क्या है, मुस्तकिम तगैयुर में है, इस तरह से हमें यहाँ पर ये बात समझ में आती है, मुस्तकिम तगैयुर कहते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पर मुस्तकिम तगैयुर है, ये मुस्तकिम तगैयुर। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों मकदारें मुस्तकिम तनासुब में है, या जो है तो ये दोनों मकदारें मुस्तकिम तगैयुर में बदलती है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि एक एग्जाम्पल और एक ले लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 जल जदुल में एक मोटर की रफ्तार किलोमीटर फी घंटे और एक खास यानी एक मखसूस फासले को तय करने में दरकार वक्त घंटे से मुतालिक मालूमात दी गई है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं स्पीड जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि पर किलोमीटर 20 दी हुई है, यानी 120 की अगर रफ्तार रहेगी यहाँ पर, तो आप देखेंगे पर आर तो 6 घंटे में हम देखेंगे यहाँ पर कि रफ्तार अगर किलोमीटर फी घंटा जो है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 20 दी है। फिर दूसरे कॉलम में आप देख रहे हैं कि 120 किलोमीटर फासला तय करने में दरकार वक्त जो है तो घंटे कितने में लग रहे हैं, यहाँ पर 6 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, अगर 120 की अगर रफ्तार रखते हैं तो 6 घंटे में वो सफ़र तय करते हैं। ठीक है, अगर यही रफ्तार अगर 30 किलोमीटर फी घंटे में है तो आप देखेंगे यहाँ पर कि
इस काम को करने के लिए, इस रफ्तार को तय करने में हम देखेंगे यहाँ पर कि दरकार वक्त कितना लग रहा है, 4 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर 40 की स्पीड है अगर, ठीक है, अगर हम देख रहे हैं रफ्तार जो है तो 40 किलोमीटर फी घंटे की है, तो आप देखेंगे ये 3 घंटे में ये सफ़र तय हो रहा है। अगर यही रफ्तार जो है तो 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार है, तो आप देखेंगे कि ये 2 घंटे में ये सफ़र तय हो रहा है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि एक्स इंटू वाई लिया हमने, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। तो एक्स इंटू वाई किया तो हमने यहाँ पर देखेंगे आपके 6 × 20 किया तो 120 मिलेगा हमें यहाँ पर, ठीक है। 30 × 4 किया तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें 120 मिलेगा। इसी तरह से 40 × 3 किया तो हमें 120 मिलेगा। 60 × 2 किया तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, यहाँ पर 120 मिलेगा हमें, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ जो मोटर की रफ्तार और उसके ज़रिए तय करदा फासला मखसूस फासले का हासिल ज़र्ब जब मुस्तकिल है, तो इस हालत को हम कहते हैं कि दोनों मकदारें माकूस तनासुब में हैं या मकदारें माकूस तगैयुर में बदलती है। क्या होती है? माकूस तगैयुर में बदलती है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि ये जो है तो माकूस तगैयुर में बदलती है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो निस्बत की यहाँ पर जो खसूसियात है उसे यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं ए और बी दो आदाद की निस्बत, ए निस्बत बी की निस्बत, या 1/a/b की सूरत में लिखते हैं। यहाँ ए को मखदूम रुक या पहला रुक्न कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर? ए को मखदूम रुक्न या पहला रुक्न कहते हैं, ठीक है। और बी को ताली रुक्न या दूसरा रुक्न कहते हैं, ठीक है। याद रखिए इसे, ये बुनियादी मालूमात है। इसी तरह से हम देखेंगे कि दो आदाद की निस्बत में ताली 100 हो तब इसकी निस्बत को फीसदी कहते हैं, ठीक है। दो आदाद की निस्बत में ताली 100 हो तब इस निस्बत को फीसदी कहते हैं, ठीक है। निस्बत और निस्बत में इसके अरकान को किसी एक ही गैर सिफर अदद से ज़र्ब दें या तकसीम करें तो तनासुब नहीं बदलता है, ठीक है। निस्बत में इसके अरकान को किसी एक ही गैर सिफर अदद से ज़र्ब दें या तकसीम करें तो तनासुब नहीं बदलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने यहाँ पर लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर 3 निस्बत 4, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर 6 निस्बत 8 की निस्बत बराबर 9 निस्बत 12 की निस्बत के, है ना। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि 2 निस्बत 3 की निस्बत 5 की निस्बत से अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर बराबर होगी 8 की निस्बत 12 की निस्बत से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 की निस्बत यहाँ पर 3 की निस्बत 5 के बराबर होगी, ठीक है। तो 8 की निस्बत आप देखेंगे यहाँ पर 12 की निस्बत से 20 की निस्बत होगी, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गैर सिफर या फिर के जो है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर, या के गैर सिफर अदद हो तब हम यहाँ पर कहते हैं कि ए बी की निस्बत जो है तो ए बी की निस्बत बराबर है ए के की निस्बत बी के की निस्बत से, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि ए की निस्बत बी की निस्बत से सी की निस्बत है, यानी कि बराबर है ए के की निस्बत बी के की निस्बत से सी के की निस्बत, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों मज़ीद कि जिन आदाद की निस्बत मालूम करना है
इन्हें एक ही किस्म की पैमाइश में होना चाहिए, ठीक है। मसलन एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं जैसे कि 2 किलोग्राम 300 ग्राम की निस्बत 2 निस्बत 300 नहीं होती है, क्योंकि 2 किलोग्राम बराबर 2000 ग्राम होता है, ठीक है, याद रखिए इसे। इसलिए वो निस्बत जो है तो 2000 निस्बत 300 यानी कि 20, यहाँ पर हम देखेंगे 20 निस्बत 3 की निस्बत होगी, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर जैसे देख रहे हैं अगर ग्राम की निस्बत ग्राम में होगी, है ना, ग्राम ग्राम की इकाई जो है तो छोटी है और किलोग्राम की इकाई जो है तो बड़ी है, तो निस्बत जो है वो हमेशा क्या होगी, किस तरह से होगी, किलोग्राम की किलोग्राम में होगी, ग्राम की ग्राम में होगी, ठीक है। इसीलिए तो यहाँ पर हम इसीलिए कह रहे हैं कि 20 निस्बत जो है तो 3 की निस्बत होगी, ठीक है, और निस्बत की इकाई नहीं होती है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो बच्चों ये देखा हमने, ये बुनियादी मालूमात थी यहाँ पर। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट 4.1 एक्सरसाइज पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सवाल नंबर 1 देख रहे हैं कि 10 ज़ैल में दिए हुए आदाद की जोड़ी में से पहले अदद की दूसरी अदद दूसरे अदद से निस्बत को मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले सवालत स्क्रीन पर है, हम 7260 इसकी निस्बत देखते हैं, तो हम देखेंगे 72 की 60 से निस्बत, तो आप देखेंगे हमें इस तरह से लिखना होगा 72 की निस्बत 60 से, ठीक है। तो 72/60 हमने इस तरह से लिया है इसे। अब हम देखेंगे यहाँ पर 72 और 60 कौन से पहाड़े में आता है, तो 12 में आता है ना, 12 छंग 72, 12 पंजे 75 होता है, 12 पंजे 60 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि 6/5 यहाँ पर इसकी निस्बत ये होगी, है ना, ठीक है। इसी तरह से हम अगर यहाँ पर देखेंगे 6 निस्बत 5 की निस्बत हमें मिलेगी इस तरह से। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि 38 की 57 से निस्बत, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से हमें लिखना है, यहाँ पर 38 की 57 से निस्बत बराबर 38/57 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये कौन से पहाड़े में आता है, 38 और 57, तो 19 × 2 = 38 एंड 19 × 3 = 53, 57 हमें मिलता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें जो निस्बत मिलेगी यहाँ पर 2/3 की निस्बत हमें यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, यानी 2 निस्बत 3 की निस्बत इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से 52 और 78 की निस्बत यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 52 की निस्बत 78 से क्या है, तो हम देखेंगे यहाँ पर 52/78 हमने लेना है, तो हम देखेंगे यहाँ पर 26 × 52 होता है और 26 × 3 = 78 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 2/3 मिलेगा, है ना, ठीक है, 2/3 मिलेगा अगर हम इसे यहाँ पर मुख्तसर करते हैं तो, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एवरी टाइम जो निस्बत है वो हमें यहाँ पर कितनी मिली, 2 की निस्बत 3 की निस्बत हमें यहाँ पर मिली है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो ये सवालात यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक्सरसाइज का देख रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि ज़ैल में दिए हुए रकमों से पहले रकम की दूसरे रकम से निस्बत को मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर अभी जो काम किया था वो भी इसी तरह का था, है ना, जो हमने अभी काम करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है तो रुपए आ गए हैं, ठीक है, यानी कि रकम है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जैसे सवाल दिया हुआ है यहाँ पर 700 रुपये और 308 रुपये दिया हुआ है, तो हम हमें यहाँ पर जो है तो 700 रुपये की 308 रुपये से निस्बत मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अभी यहाँ पर इकाई में देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, रुपए है, यानी इक्वल जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमें समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 700/308 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि
दोनों अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमें मालूम होगा कि 28 × 25 अगर करते हैं हम यहाँ पर, और 28 × 11 अगर करते हैं हम यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? हमें मिलेगा यहाँ पर 700 upon 308। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर क्या आंसर हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, मुख्तसर करने के बाद में 25 upon 11 हमें मिलेगा, है ना। तो मुख्तसर हम देखेंगे यहाँ पर, मुख्तसर करने के बाद कि 25 की 11 से नस्बत है इस तरह से, है ना, 25 नस्बत 11 की नस्बत। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर दूसरा सवाल देखेंगे बच्चों। दूसरा सवाल दिया है 14 रुपये हैं और 12 रुपये 40 पैसे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो पहला सवाल था उससे थोड़ा ये मुख्तलिफ सवाल हो गया, क्योंकि यहाँ पर पैसे आ गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है पैसों को। हमें यहाँ पर आपको मालूम है कि 1 रुपया जो है तो 100 पैसों से बनता है ना, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, 14 रुपये यानी कि 1400 पैसे हो गया, 14 × 100 हमने किया तो 1400 पैसे यहाँ पर बन गए हैं। ठीक है, यानी 14 रुपये जो है तो कितने पैसे बन गए यहाँ पर, 1400 पैसे बन गए। इसी तरह से हम यहाँ पर 12 × 100 करेंगे प्लस 40 पैसे उसमें करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितने मिलेंगे, 12 रुपये 40 पैसे के वो मिलेंगे हमें यहाँ पर, 1240 पैसे। ठीक है, इस तरह से तो आप देखेंगे कि 14 रुपये के हमें यहाँ पर 1400 पैसे मिले हैं और 12 रुपये 40 पैसे के हमें 1240 पैसे मिले हैं, है ना। तो हम यहाँ पर 14 रुपये की निस्बत जो है तो 12 रुपये 40 पैसे की निस्बत हमें यहाँ पर अब मालूम करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया है फिगर 1400, इसलिए 1400 पैसे है ना की निस्बत कितने से, 1240 पैसे से निस्बत हमें मालूम करना है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, अब 1400 upon 1240 इज इक्वल टू आप देखेंगे 140 upon 124, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर ये 0 0 इसका कैंसिल किया है ना, तो ये हमें यहाँ पर 140 upon 124 मिलेगा। मीन्स 4 × 35 अगर हम करते हैं तो 140 मिलता है, और 31 × 4 करते हैं तो हमें कितना मिलता है, तो हमें मिलता है 124। ओके, तो आप देखेंगे इससे कि 4 4 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ 35 upon 31 इस तरह से। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 35 की निस्बत 31 से इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चे थोड़ा सा हमें यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन क्या करना है, क्या ध्यान देना है हमें यहाँ पर, सिर्फ ये पैसों को जो हमने कन्वर्ट करना है उसे ध्यान देना है। ठीक है, तो निस्बत हमने यहाँ पर जो है तो पैसों में लाई है, उसे ध्यान में रखना है हमें। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर, या नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं सवाल दिया हुआ है 5 लीटर और 2500 मिलीलीटर। देखिए अब यहाँ पर इकाई जो बढ़ रही है वो किस तरह से बढ़ी है वो हमें समझना है। एक तरफ मिलीलीटर है, दूसरी तरफ लीटर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर जो है तो लीटर को मिलीलीटर में तब्दील करना होगा, है ना। मिलीलीटर को हमने यहाँ पर जो है तो लीटर को तब्दील किया इस तरह से, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 5 × 100, सो 5000 मिलीलीटर हमें इस तरह से मिल गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम निस्बत को शो करेंगे इस तरह से, मिलीलीटर कितनी हो गई, 5000 मिलीलीटर की निस्बत कितने से, 2500 मिलीलीटर से, तो ये क्या हो गई, 5000 upon 2500 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये तो आसानी से आप कर सकते हो, है ना, 2 upon 1 का हमें रेशियो यहाँ पर मिल जाएगा इस तरह से, है ना, 2500, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2500 × 2 and 2500 × 1 अगर करें हम यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि इजीली ये दोनों भी यहाँ पर कैंसिल होगा और हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 upon 2 इस तरह से मिलेगा। ठीक है, सॉरी 2 upon 1 हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 upon 1 इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या आंसर हमारा क्या होगा, 2 नस्बत 1 की नस्बत। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 साल 4 महीने
5 साल 8 महीने की नस्बत हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी जो है तो अलग अलग नज़र आ रहा है हमें, है ना। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो आपको 3 साल है और ये 4 महीने हैं, है ना। तो इन्हें हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, महीनों में कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 साल 4 महीने हैं, तो इसे हमने कन्वर्ट किया, 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, है ना। तो 3 × 12 + 4 4 months, सो 3 × 12 किया तो 36 + 4 40 months हो गए यहाँ पर, ठीक है। टोटल 40 months यहाँ पर हमें मिले हैं। इसी तरह से हम देखेंगे कि 5 साल और 8 महीने हैं, ठीक है। तो 5 साल 8 महीने यानी 5 years × 12 months, ओके। सो 5 × 12 60 + 8 68, तो हम देखेंगे यहाँ पर 68 महीने हमें यहाँ पर मिलेंगे इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो यहाँ पर 5 साल 8 महीने की निस्बत जो है वो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3 साल 4 महीने की जो निस्बत है वो क्या होगी, 40 महीने की निस्बत 68 महीनों से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 40 की जो निस्बत है वो 68 से वो हमें यहाँ पर मालूम करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 40/68 = 4×10 हमने किया, 4×17। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 10/17। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 10 निस्बत 17 की निस्बत हमें इस तरह से मिलेगी, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो पांचवा सवाल लेते हैं। पांचवा सवाल जो दिया हुआ है 3.8 किलोग्राम और 1900 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1900 ग्राम दिया हुआ है और एक तरफ 3.8 ग्राम दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे हमने पहले सवाल में किया है 3.8 किलोग्राम है, यानी किलो कितना है 3 है, ग्राम कितना है 8, यानी कि 800 ग्राम है, और एक तरफ 1900 ग्राम है। तो हमें यहाँ पर इकाइयाँ इसकी क्या करनी होगी, ग्राम में तब्दील करनी होगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 3.8 किलोग्राम है तो इसे हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 3800 हमें मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि अब जो है तो 3.8 की निस्बत जो है तो 1900 ग्राम से क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पर 33,800 ग्राम की निस्बत, 1900 ग्राम की निस्बत से, तो वो हो जाएगी यहाँ पर हम स्क्रीन पर जैसे देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसे क्या किया है, आप देख सकते हैं 3800/1900, ओके। सो आपको मालूम है यहाँ पर 19 1s are 19, 19 2s are 38 होता है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 2/1, क्या मिलेगा 2/1, यानी 2 निस्बत 1 की निस्बत, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये पांचवा सवाल था बच्चों। इसके बाद हम छठे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। छठे सवाल हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 7 मिनट और 20 सेकेंड, 5 मिनट और 6 सेकेंड दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर मिनट और सेकेंड दो अलग अलग इकाइयाँ हैं, तो हम यहाँ पर 7 मिनट और 20 सेकेंड को क्या करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड आपको मालूम है 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है ना, तो 7 × हमने यहाँ पर 60 किया + 20 सेकेंड, है ना। तो +20 सेकेंड हमने किया तो 7 × 60 = 420 + 20 मीन्स 440 हमें यहाँ पर मिलेगा इस तरह से, है ना। तो इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, इसके बाद हमें यहाँ पर जो है तो वो इस तरह से 440 सेकेंड मिल गया। अब इसके बाद 5 मिनट और 6 सेकेंड है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमें जो है तो 5 मिनट है ना, तो 5 मिनट को हमने यहाँ पर कन्वर्ट करना है, ठीक है। और उसमें हमें यहाँ पर
सेकेंड ऐड कर देना है। तो 5 इंटू अगर हमने 6 किया तो हमें यहाँ पर मिलेगा 30 प्लस 6 मीन्स 306 सेकेंड हमें यहाँ पर मिलेगा इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि हमने यहाँ पर जो है तो 440 सेकेंड और 306 सेकेंड में इसे तब्दील किया है। तो अब हमारी जो निस्बत बनेगी वो किस तरह से बनेगी, भी यहाँ पर 7 मिनट और 20 सेकेंड की निस्बत 5 मिनट 6 सेकेंड की निस्बत बराबर होगी किसके, 440 सेकेंड की निस्बत 306 सेकेंड की निस्बत के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसे यहाँ पर इस तरह से हल करना है। यहाँ पर हमने लिया है जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 2 इंटू 220 अपॉन 2 इंटू 153। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 220 अपॉन 153। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो नस्बत होगी हमारी वो होगी 220 की नस्बत 153 से इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम यहाँ पर देखेंगे जो सवाल दिया हुआ है वो है 10 ज़ैल फ़ीसदी को नस्बत की मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसे यहाँ पर जो दिया है 75 और 100 जो दिया हुआ है, तो 75 की नस्बत 100 से, यानी आप देखेंगे यहाँ पर 75/100, तो 75/100 अब यहाँ पर जो है तो फ़ीसद दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 25 इंटू 3 अपॉन 115 इंटू 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी 25 ही होगा, ओके 25 इंटू 4 होगा, है ना, और यहाँ पर 75 यानी 25 इंटू 3 एंड 25 इंटू 4 अगर करते हैं तो हमें 100 मिलता है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये 25 और ये 25 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, हमें आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर 3 अपॉन 4, यानी यहाँ पर हम देखेंगे 3 की नस्बत 4 की नस्बत है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, इसी तरह से हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर दिया है 44 और 100। ठीक है, तो 44 और 100 से नस्बत जो है तो क्या नस्बत है, तो हम देखेंगे यहाँ पर 44 अपॉन 100, सो 4 इंटू 11 अपॉन 4 इंटू 25 इज़ इक्वल टू कितना मिलेगा हमें 100, लाइक दिस। ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पर कि 4 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 11 अपॉन 25। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि 11 की नस्बत 25 की नस्बत से इस तरह से होगी। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और आगे हम यहाँ पर जो है तो मज़ीद देखेंगे 6.25। ठीक है, 6.25 का परसेंट हमें यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर हमने लिया 6.25 अपॉन 100। ठीक है, पॉइंट है फ़ीसद है, यानी कि हमें यहाँ पर अपॉन 100 लेना है, तो 625 अपॉन, यहाँ पर हमने क्या किया है 100 इंटू 100। ओके, सो परसेंट है यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर इंटू 100 इंटू 100 लिया है। ठीक है, हमने यहाँ पर जो है तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 625 है, तो 25 इंटू 25 इज़ इक्वल टू 625 एंड 25 इंटू 4 इंटू 25 इंटू 4 अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा 1 अपॉन 16। दिस विल बी कैंसिल। ओके, सो 4 4 4 इंटू 4 विल बी 16। ओके, सो 1 अपॉन 16 विल बी द आंसर। तो 1 की नस्बत 16 की नस्बत से इस तरह से है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर देखेंगे 52 की नस्बत हमें यहाँ पर 100 से देखना है, तो इस तरह से हमें लिखना होगा 52 की जो नस्बत है 100 से बराबर 52 अपॉन 100 इस तरह से लेना होगा। सो 4 इंटू 13 अगर करते हैं हम यहाँ पर, 13 4 52 और 25 4 100 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिया ये 4 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पर कितना मिलेगा हमें 13 अपॉन 25। ओके, 13 अपॉन 25 यानी 13 की नस्बत 25 से नस्बत इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से अब हम यहाँ पर जो है तो
ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, 0.64% मीन्स 0.64/100 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, 64/100 × 100 पॉइंट हमने यहाँ पर हटा दिया है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें इसको बटे 100 किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 64 दिया है, तो 4 × 4 × 4 / 4 × 25, 25 × 4, 4 × 25, लाइक दिस। तो आप देखेंगे यहाँ पर कैसे मुख्तसर करना होगा हमें, ठीक है। तो मुख्तसर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि 4 / 25 × 25, सो 25 × 25 में 625 हो जाएगा, ओके। सो 4 का 4, सो 4/6 = 25। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो निस्बत होगी वो क्या होगी, 4 की निस्बत 625 की निस्बत से, इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों काफ़ी ये आसान सवाल थे, सेम पैटर्न के सवाल थे, अगर आप ध्यान दे रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो आपको ये बात ज़रूर से समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर मज़ीद जो है तो आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, एक इबारती सवाल है इससे, यहाँ पर देखते हैं। एक छोटा मकान 3 आदमी 8 दिन में तामीर कर सकते हैं, तो वही मकान 6 दिनों में तामीर करने में कितने आदमी लगेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि आदमियों की तादाद और घर की तामीर में दरकार दिनों की तादाद माकूस तनासुब में है, कैसी है, जो आदमियों की तादाद और घर की तामीर में दरकार दिनों की तादाद माकूस तनासुब में है, इसलिए आदमियों की तादाद और घर की तामीर में दिनों की तादाद का हासिल ज़र्ब मुस्तकिल है, इस तरह से हमें समझ में आता है, ठीक है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर फ़र्ज़ करना है कि फ़र्ज़ किया कि 6 दिनों में मकान की तामीर के लिए एक्स आदमियों की ज़रूरत होगी, यहाँ पर कितने एक्स आदमियों की यहाँ पर ज़रूरत होती है, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर फ़र्ज़ किया कि 6 दिनों में मकान की तामीर के लिए 6 आदमियों की ज़रूरत होती है, तब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि x × 6 = 3 × 8, ठीक है। इस तरह से तो आप देखेंगे x = 3 × 8/6, सो यहाँ पर आप देखेंगे 8 + 24, और 24 को आप यहाँ पर जब कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 6 × 4 = 24, यानी कि आंसर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा हमें यहाँ पर 4, है ना। या फिर यहाँ पर इस तरह से भी देख सकते हैं हम, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 2, 2 × 4 = 8, इस तरह से भी। तो x = 4, यानी हमें ये बात समझ में आती कि 6 दिनों में मकान की तामीर के लिए 4 आदमियों की ज़रूरत होगी, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। तो ये हमारा सवाल नंबर 4 कंप्लीट हुआ बच्चों। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें हमें बताना है कि ज़ैल की निस्बतों को फ़ीसदी में तहवील कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, फ़ीसदी में दूसरा रुकन 100 होना चाहिए, ये बात हमें मालूम है ना, फ़ीसदी में दूसरा रुकन जो है तो 100 होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर जैसे देखा 15 की निस्बत 25 से, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 15 / 25 = 4 × 15 × 4/25 × 4, यानी हमने यहाँ पर क्या किया है, इसे यहाँ पर हमने इसे 100 में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 60/100 हमें मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। 25 × 4 किया तो 100 मिला यहाँ पर, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर कि 60 की जो निस्बत है वो 100 से, इस तरह से हमें मिलेगी, यानी कि ये कितना होगा, ये होगा 60%, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हम यहाँ पर और एक देखते हैं क्वेश्चन, 47 की 50 से निस्बत हमें देखना है। तो सिमिलर जैसे हमने पहला पैटर्न क्वेश्चन किया है, सिमिलर वही पैटर्न से हमें इसे हल करना है, 47/50। सो आप देखिए यहाँ पर 50 × 2 किया हमने, तो हमें कितना मिलेगा, 100। सो 47 × 2, सो आप देखेंगे यहाँ पर कि 47 × 2 करें तो 94 मिलेगा हमें, और 15 × 2 किया तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, 100 मिलेगा।
तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि 94 की जो निस्बत है 100 से, वो इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगी, यानी 94% ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 हुआ बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर 7 निस्बत 10 की निस्बत को देखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है 7/10, मीन्स 7 × 10 / 10 × 10 किया हमने, तो आप देखेंगे 70/100 इस तरह से हमें मिलेगा ना। 7 × 10 मीन्स 70, 10 × 10 मीन्स 100। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 70 की निस्बत 100 से, यानी 70%, यानी कि 70% इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं 546/600 मीन्स 600 इज डिवाइडेड बाय 6/600 इज डिवाइडेड बाय 6 मीन्स 91/100, ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर तकसीम करने के बाद हमें यहाँ पर मिलेगा किस तरह से 91/100। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि 91 की निस्बत 100 से इस तरह से, यानी कि 91% हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो लास्ट है, सवाल का जो आखिरी सवाल है वो इस तरह से है, 7/16। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 7/16 यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 7/16 ज़रब 100/100 इस तरह से हमें इसे लिखना होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 7/16/100, यानी हमने यहाँ पर जो है तो इस तरह से इसे लिया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 43, यहाँ पर हो जाएगा 43.75, ओके, इस तरह से, अपॉन 100, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 43.75 की निस्बत 100 से कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 43.75 इस तरह से, ठीक है, याद रखिए इसे। तो इस तरह से इसे हमें हल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर हमने इसे जो तो यहाँ पर ज़रब दिया जब 100 से, तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, 700/16/100 इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो ये सवाल किस तरह से हल किया हमने, एक बार और देख लेते हैं इसे। 7/16 × 100 यानी कि 700 हो गया यहाँ पर, ठीक है, 16 जैसा है वैसे ही रखा हमने, अपॉन 100 किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 43, जब हमने इसे मुख्तसर किया तो हमें मिलेगा 43.75, ठीक है, अपॉन 100 मीन्स आप यहाँ पर देखेंगे कि 43.75 की निस्बत 100 से, यानी कि 43.75% इतना होगा, ठीक है, इस तरह से ये सवाल है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो देखते हैं, आभा और इसकी माँ की मौजूदा उम्रों की निस्बत 2:5 की निस्बत है। आभा की पैदाइश के वक्त इसकी माँ की उम्र 27 साल थी। तो आभा और इसकी माँ की मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए, ठीक है, इस तरह से सवाल है ये। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि आभा और इसकी माँ की मौजूदा उम्रों की निस्बत 2:5 की निस्बत है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इनकी उम्रें 2 और 5 के मुश्तरक ज़ौफ़ में हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किया कि वो मुश्तरक ज़ौफ़ जो है तो एक्स है, क्या है वो मुश्तरक ज़ौफ़ जो है तो एक्स है, ठीक है, ये हमने फ़र्ज़ किया है यहाँ पर। इसलिए आभा और इसकी माँ की मौजूदा उम्रें बिलतरतीब 2x और 5x साल है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। और माँ की उम्र आभा की पैदाइश के वक्त जो है तो 2x साल कब्ल 27 साल थी, ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है तो हल करना है अभी से, तो हमने लिया 5x, इसलिए 5x − 2x = 27। तो 5x − 2x कितना हो जाएगा, 3x = 27।
सो 27 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 27 अपॉन 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे 9 3 9 27, सो आप देखेंगे यहाँ पर कि x इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18, कितने मिले हमें यहाँ पर 18। इसी तरह से 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 9 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 45। तो इससे हमें यहाँ पर समझ में आता है कि ये जो आभा की मौजूदा उम्र है वो 18 साल है और इसकी माँ की मौजूदा उम्र जो है तो 45 साल है। इस तरह से हमें यहाँ पर ये समझ में आता है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मजीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आज के सेशन में हमने आपको ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर हल कराने की कोशिश की है। सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 ये आपको होमवर्क के तौर पे दिए जा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों सवाल आपको अपने तौर पे हल करना है और अपने टीचर को बताना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में हमने आपको जो निस्बत और मुस्तकीम और माकूस तनासुब, इसी तरह से निस्बत की खसूसियात और 4.1 जो एक्सरसाइज यहाँ पर हमने मश्क सेट यहाँ पर हल किया, ये आपको ज़रूर से समझ में आया होगा। सेशन के बाद आप इन सवालात की पहले प्रैक्टिस करें और बाद में जो दो सवालात हैं 7 नंबर और 8 नंबर के जो दो सवालात हैं उससे भी हल करने की कोशिश करें, ठीक है। कोशिश कीजिए, बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, देयर इज सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू आर सपोज टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। And there is also a feedback form in the description box. So kindly fill that form. तो बच्चों आपको session के बाद में description box में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं उन्हें हल करना है और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पूर करना है।